आगरा। विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर सभी धर्मगुरु मौजूद रहे। सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर आज पोस्टर विमोचन किया, जिसमें बताया गया कि 8 नवंबर को सभी धर्मों के युवक और युवतियों का निःशुल्क विवाह कराया जाएगा। एक तरफ फेरे होंगे तो एक तरफ निकाह पढ़ाया जाएगा, जिसकी जानकारी आज सभी आमंत्रण पत्र के द्वारा दी गई। विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम तैयार किया है, सभी धर्मों की एक ही मंच के नीचे शादी हो, ये अपने आप में एक उदाहरण है और ये पूरे एग्जाम्पल बनेगा। इस शादी की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मैं मानता हूँ, ये प्रेम का भी एक संदेश देगा। प्रेम को भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के जोड़ों की जहाँ शादी होगी, तो इस संस्थान उत्तर भारत में नहीं, मेरा मानना कि भारतवर्ष में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम होगा। मैं इस फाउंडेशन को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, ये अपने मकसद में सफल हो और इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों पर ले जाए। हमारे आगरा शहर में एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत में सभी धर्मों का विवाह, शायद मेरे विचार में शायद पूरे भारत में शायद ये अनूठा विवाह हो सकता है, जिसके अंतर्गत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई रीति के अंतर्गत में सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। साथ ही मैं विश्व फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को एक और शुभकामना देना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत में जो दिव्यांग जोड़े भी जुलाए गए, तो ये बहुत बड़ी बात, ये इसमें कोई निर्धन नहीं है, सब सशक्त हैं। इसमें जो निर्धन नहीं है, सबसे प्रमुख बात है कि हमारा समाज को हमको जागरूक करने का प्रयास है कि कम से कम समाज जागरूक हो, ऐसे विवाह सामूहिक विवाह हो, और विवाहों के अंतर्गत में समाज जागरूक होकर के इन विवाहों की हमें पहल करनी। आपके माध्यम से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए हमको तन, मन और धन की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, मीडिया प्रभाकर्मियों का, आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हमें सहयोग है, लेकिन साथ ही में हमारे शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो हमें तन, मन, धन से हमें सहयोग। धन्यवाद। मैं ज्ञानी कुलविंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा माईथान। आज विश्व सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो 8 नवम्बर को जो कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का जो विवाह होना है, उसके संबंध में आज ये प्रेस वार्ता की गई है, और ये पहली बार आगरे में, जैसा बताया जा रहा है कि इस तरीके की शादियाँ, कि हर धर्म का अलग अलग तरीके से, जिस धर्म का जिस तरीके से, जिस रिवाज से शादी होती है उसी रिवाज से करवाया जाएगा। और मैं तहे दिल से इस चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि अपना अपना काम तो सारी दुनिया करती है, मगर सर्वधर्म का काम करने का ये जो निर्णय लिया है, मैं भगवान से गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में अरदास करूँगा कि वाहेगुरु जी कृपा करें, इन्होंने ये जो समागम आरंभ किया है, इसमें आप बीच में आके गुरु जी इस सेवा को संपूर्ण करवाएं, और इस जोड़े के ऊपर भी अपना मेर प्रया हाथ रखें, डॉक्टर साहब के ऊपर, उनके यहाँ जो मिसिज हैं उनके ऊपर, जो कि इस सारे प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, क्योंकि निर्धनों की शादी करनी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और जिस धर्म को ये लेके चल रहे हैं, भगवान करेगा उस वो बलिभूत संपूर्ण होगा। वाहेगुरु के चरणों में अरदास है कि हर आदमी को इनका तन, मन, धन से सहयोग करके अपना अपना जीवन और अपना अपने जीवन का कृतार्थ पूरा करना चाहिए, और सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, मीडिया को भी इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही सारी बातें जो है वो आगे पहुंचती हैं, और देशों विदेशों तक इनका ये संदेश जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ज्यादा नशी मरकज सावरी हूँ और सब धर्म सावरी एकता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संस्था ने जो कदम उठाया है, ये हमारे भारत के लिए और भारत के बाहर भी इसका पैगाम जाएगा, बहुत अच्छा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे यहाँ हमारे सर्वधर्म सावरी एकता संगठन का नारा है, सारा धर्म के मुताबिक कहा गया है कि स
सारे धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक सम्मान, सारे धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक सम्मान। और दो अशार और पढ़ूंगा, बेदस्तपा का मौला बेकस का यार जो है, जिसका नहीं है कोई परवरदिगार जो है, ये उसी की रहीमी है कि जो ऐसी संस्थाओं को ये सद्बुद्धियाँ देता है और वो ऐसे कार्य करते हैं कि सारे धर्मों को जोड़ते भी हैं और सारे धर्मों की गुर्बत को दूर करके उनके जोड़े मिला के उनके घरों में खुशहाली पैदा करते हैं और उन माँ बापों की मंजिलों को आसान करते हैं। ये सारे धर्मों का काल जो है बड़ा कारगर है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये होता रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सारे धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है, इससे भी बहुत बड़ा असर है। जो दाता की बारगाह में पहुंचता है, सब में एक उत्साह पैदा होता है और वो इसको देखकर सीखते हैं, आगे और काम और भी मंजिलें ऐसी बढ़ती हैं कि जहाँ सारे धर्म के गुरुओं के आशीर्वाद से उनके अंदर एक मोहब्बत एक उत्साह पैदा होता है, जिसको हमारी ये संस्था लेकर चल रही है। मैं इसका बहुत सराहनीय हूँ और उसी के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारा सर्वधर्म सावली एकता संगठन उनके साथ है, कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा और जो हमारे 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 संगठन के लिए जो भी कार्य होगा हम उसमें सहयोग करेंगे। और इस खुशी में मैं एक खूबी और कहूँगा जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेरे यहाँ जो है अब उर्स होने वाला है, सर्वधर्म सावली एकता संगठन का यानी कहना चाहिए सम्मेलन होने वाला है। इस संस्था के जितने भी हैं वो सब उसमें पधार, मैं तहे दिल से उन सबका सम्मान करना चाहता हूँ और सम्मान करूंगा।